नाशिक मधील शासकीय जिल्हा रुग्णालय असून येथे अनेक तालुक्यातून आणि खेड्यातून आपला उपचार करण्यासाठी रुग्ण येत असतात. शासकीय रुग्णालयामध्ये पेशंट आणल्यानंतर एखाद्या पेशंटची प्रकृती अतिशय खालावलेली असल्यानं शासकीय रुग्णालयामधून दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यासाठी किंवा आणण्यासाठी अॅम्ब्युलन्स असते. परंतु एखादे पेशंट मृत्यू झाल्यास पेशंटच्या घरी जाण्यासाठी अॅम्ब्युलन्स का दिली जात नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय जिल्हा रुग्णालयामध्ये येणारे पेशंट गरीब आणि आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलकीची असते, त्यामुळेच तालुक्यातून आणि खेड्यातून पेशंट शासकीय जिल्हा रुग्णालयामध्ये येत असतात आणि त्यातच एखाद्या पेशंटचा मृत्यू झाल्यास शासनानं मृत झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या घरी सोडण्यासाठी अॅम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी नाशिक शासकीय जिल्हा रुग्णालयामध्ये मृत झालेल्या पेशंटच्या नातेवाईकांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासन से मेरी ये विनंती है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस का कोई खास इंतज़ाम डेथ होने के बाद में नहीं रहता. दूर दूर से लोग आते हैं और एडमिट होते हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में आते हैं और जब उनके लिए कहते हैं कि भाई एम्बुलेंस लाओ तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी पर्सनल एम्बुलेंस लाओ, यहाँ पर एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है. तो मैं चाहता हूँ तमाम गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि दो दिन से हमारी बहन का शोहर यहाँ पर एडमिट थे, आज उनका इंतकाल हो गया और एम्बुलेंस के लिए हमको परेशान होना पड़ा. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई सुविधा नाफिज हो जाए ताकि हर एक के लिए एक सहूलत हो जाए, उनके मुकाम तक, उनके दरवाजे तक, उनके घर तक वो एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचना चाहिए. ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको सुविधा चाहिए, ये हमारी विनंती है. क्या देना? और जब भी पेशेंट को यहाँ पर लाया जाता तो खुद के एम्बुलेंस में लाना पड़ता है, लेकिन जब डेथ हो गई तो उसको यहाँ से एम्बुलेंस मिले, हमारी चाहत ये है. न्यूज रिपोर्टर इरफान पठान, एस9 मीडिया, नाशिक.